यहाँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम नाला सुपारा। हमें आज नेचर गोट फार्म पर और आज की मुलाकात होगी माशाल्लाह एक काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीडिंग सेटअप से। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द ओनर ऑफ दिस फार्म, मिस्टर अतुल। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हेलो आसिम भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा कि मुंबई के इतने करीब इतना ज़बरदस्त ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है। इसकी शुरुआत कब की थी सर आपने? इसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी मैंने। जी, 5 सालों से मैं ये रन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग 1 साल मैंने इतके बकरे पाले थे। अच्छा। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते स्टार्टिंग में 5 बकरियाँ लाई, फिर 5 बढ़ा के आज मेरे पास टोटली 60-70 फीमेल्स है और एक नहीं अबाउट 70 किड्स है। 60 फीमेल्स है और 70 किड्स, मतलब 60 मदर्स है। मदर्स है ना, मदर लॉट है। और फिर ये बच्चे जो आते रहते हैं, ये मैं बेचता रहता हूँ। सही है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के बच्चे दिख रहे हैं। आपका मेन जो फोकस है वो कौन सी ब्रीड में है? हाल फिलहाल तो मैं पतीरा और सोजत पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो ब्रीडर रखा है वो कौन सी ब्रीडर? मैंने, मेरे पास 3 है। एक प्योर हैदराबादी है जी, एक हेडपैट में है जी, और एक हैड सोच में है। अच्छा, हैदराबादी और सोजत में। हैदराबादी और सोजत में, एक हैदराबादी पतीरा में है और एक हैदराबादी में है। सही है, मतलब 3 अलग अलग ब्रीडर है। अलग अलग ब्रीडर है, मेनली मैं 2 ब्रीडर यूज कर रहा हूँ जी। जो हैदराबादी सोजत है वो मैं कम यूज कर रहा हूँ जी। और आपका सेलिंग पर्सपेक्टिव कैसा है यहाँ से? मतलब सिंगल डबल भी बेच देते हैं? हाँ, सिंगल डबल भी बेच देता हूँ। नॉर्मली 3 महीने के बच्चे हो जाते हैं, तो 3 महीने के बच्चा नॉर्मली खाना चालू कर देता है, उसके बाद मैं बेच देता। जिसको भी ये माल खरीदना है उसको यहाँ आना जरूरी होता है कि आप ऑनलाइन भी ट्रेड करते हैं? ऑनलाइन ट्रेड मैं काफ़ी कम करता हूँ जी, लेकिन अगर कोई भाई ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी खुद ले रहा है जी, तो मैं माल बेच सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास सिंगल डबल बच्चे के लिए, तो कोई एक एग्जांपल के तौर पे 1000 किलोमीटर आएगा नहीं। हाँ, बट क्योंकि आज वर्ल्ड पूरा ऑनलाइन ही चलता है, ऑनलाइन ही चलता तो है। अगर कोई हो जो रेडी हो और यहाँ पर लोगों को भेज के यहीं से माल लेके जाके ट्रांसपोर्ट करवा दूँ, मैं सामने वाले को हेल्प कर दूंगा जी यहाँ से माल भेजने के लिए जी। लेकिन अगर सामने वाला बंदा उसके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जी, या यहाँ कोई मीडिएटर अवेलेबल हो रहा है, तो मैं 100% माल भेजूंगा। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे सिटीज में माल जाए जी, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि आपका नाम पूरे इंडिया में दिखना चाहिए। आपकी ये मेहनत है भाई। हाँ। नहीं तो बाज़ मरतबा होता है ऐसा है, एक बेचने वाले आएगा ट्रेडर, वो पूरा माल लेके आगे फिर वो उसका फ़ायदा उठा लेगा। तो और मैं एक बात और बता दूँ ये सबकी जानकारी के लिए, कि मुंबई में और पूरे इंडिया में आज ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मीडिएटर का काम करते हैं। मुंबई में अगर मैं बात करूँ तो रेहान है, अब्दुल्ला है, जिनका काम ही ये है कि एक जगह से बकरे उठा के दूसरी शहर में भेजना। सही है सर? सो मैं एक एक करके सब बच्चे दिखा दूँगा ताकि लोग आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज पाएँ, पर बेहतर यही है कि आप खुद आइए और आके खुद माल खरीदें इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक प्राइस रेंज अगर बता पाएंगे आप, क्या रेट से स्टार्ट हो रहे बच्चे इसमें? असीम भाई, ये बच्चे नियर अबाउट 10,000 से चालू हो रहे हैं, जो सबसे मिनिमम प्राइस है जी, और मैक्सिमम एक 28,000 तक मैक्सिमम प्राइस है। 28,000 रुपए का बच्चा है, 28,000 के लिए मैक्सिमम प्राइस है। सही है, कितने महीने के बच्चे आप बेचते हो यहाँ से? बच्चे तो मैं 3 महीने का बच्चा होने के बाद ही सामने वाले को जैसा ये बच्चा किसी को चाहिए। हाँ, तो अभी से बुक करके 10 दिन का है, अभी से बुक करके 3 महीने बाद उठा सकते हैं? 3 महीने बाद उठा सकते हैं, लेकिन फिर वो भाई ने कंपलसरी प्लीज 3 महीने के बाद ही उठाए। हाँ। क्योंकि कुछ लोग फिर 7-8 महीने तक वेट भी करा देते हैं। हाँ, ये बात भी गलत है। अगर किसी के पास फीमेल बकरियां हैं दूध वाली तो अभी भी आओ लेके जा सकते हो, अभी भी आप पर ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, इतना छोटा बच्चा ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। सो अब मैं सबको एक एक बच्चा दिखा रहा हूँ, एंड आपको करना ये है कि आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है भाई को और आगे की कार्रवाई करनी है। मैं और तकलीफ़ों के बारे में भी जानना चाहूँगा, ब्रीडिंग सेटअप चलाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ। बच्चों को सरवाइव करवाना हो तो ऊपर वाले के हाथ में लेके मेहनत तो आपकी है, तो क्या क्या तकलीफ़ें झेली आपने स्टार्टिंग के दिनों में जो आप बोलोगे दूसरे ना झेलें? तकलीफें मतलब आई थिंक ब्रीडिंग सेटअप चलाना मतलब इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, लोहे के चने चबाना। इट्स गोट फार्मिंग है सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, तो गुड ब्रीडिंग सेटअप क्योंकि मैं ये नहीं बोलता दूसरी चीज़ें बहुत आसान है जी, लेकिन आई थिंक जब मैं ईद का बकरा पालता हूँ तो एक मेरा 8-10 महीने का पूरा तैयार बच्चा आ जाता है जी, और 30-35 किलो का या उससे बड़ा 40-50 किलो का, तो उसका जो हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग रहता है जी,
और फिर उसे पालना थोड़ा सा आसान हो जाता आसान हो उसकी जाता है। मतलब बॉडी रेजिस्टेंस काफी अच्छी हो जाती है जी, उसकी रेजिस्टेंस काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन 3 महीने तक के बच्चों को पालना मतलब एक इंसान के बच्चे को संभालने जितना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे भी वो छोटे बच्चे को देखे वो उधर कहाँ जाके फंस रहा था, फंस जाता है। बहुत बहुत सही है। मैं ना एक दो सवाल हमेशा पूछता हूँ ब्रीडिंग सेटअप वालों से। आप जो बच्चे हैं इनको माँ के साथ ही रखते हो कि सिर्फ दूध पीने के लिए छोड़ते हो? नॉर्मली बच्चों को मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ, एक 15 दिन के लिए मैं अलग रखता हूँ जी। और पहले दिन में पूरा दिन बच्चे को माँ के साथ रहता हूँ, क्योंकि उनका स्मेल एक्सेप्ट। पहला दूध निकाल लेते हो? पहला दूध थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, पूरा नहीं निकालता। एक 4-5 धार निकाल देता हूँ तो थन भी उसका फ्री हो जाता है, नरम हो जाता है, नरम हो जाता है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है जी तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद एक 15 दिन में रोज दिन में 5 टाइम उनको 200 ml एक बार, उसके हिसाब से दिन में 5 टाइम उनको मैं दूध पिलाता हूँ। और बकरी ब्याहने के बाद में उसके थन को गर्म पानी से धोना जरूरी है? गर्म पानी से भी धोते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट से भी, वो पानी थोड़ा पानी मिला के उससे भी धोते हैं, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है वो भी निकल जाता है। ये बच्चों में बकरियां बकरे दोनों है, राइट? ये बकरियां बच्चे दोनों है। सही है, तो किसको बकरे बकरी चाहिए तो भी दे सकते हैं? तो भी दे सकते हैं। बाज मरतबा ब्रीडिंग सेटअप वाले बोलते हैं कि हम बकरियां नहीं देंगे, तो वो बात क्लियर कर रहा हूँ मैं कि देंगे। प्राइस भाई का जो होगा वो होगा 10,000 से लेकर 28,000 रुपये तक का बच्चा है। अब आप खुद देख लो, वो हिसाब से आप फ़ोन करो, ठीक है? 10,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक। थोड़ा सा हेल्प करेंगे अभी आप लोग, एक एक बच्चा थोड़ा उठा के ही बताओ। छोटे बच्चे भाई, थोड़े बच्चे उठा के कैमरे में बताइए प्लीज़। आप लोग अराउंड 70 बच्चे हमारे भाई के पास। ये सोजत और पतीरा का, सॉरी हैदराबादी और पतीरा का क्रॉस आया है माशाल्लाह। और बहुत प्यारा बच्चा आपके पास ही है। सही, हम लोग जल्दी जल्दी आपको सब बच्चे दिखा देंगे अभी। ये देखो आप, एक जोड़ी है, इसमें दोनों फीमेल है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह भाई। वाइट आइज में दोनों बच्ची, ये देखें बहुत नायाब चीज। ये कुछ बोर या सानिया ऐसा कुछ दिख रहा है, है ना? मतलब तो पकड़ना, मतलब मेरी परख अच्छी हो गई है। आप अच्छी भाई, ये देखो क्या राउंड फेस नर मॉडल। वाह, वाइट बोर। ये वाइट बोर मतलब ये क्या भाई जान? इसकी माँ है वो 100% बोर है, लेकिन लॉकडाउन में मेरा जो बोर बकरा था वो मतलब उसका डेथ हो गया, तो इसको मैंने इस सोजत पे सोजत क्रॉस कर दिया, है ना? दिख रहा है। तो फिर ये बहुत अच्छा वेट गेन करेगा मालूम है। आसिम भाई सिर्फ 5.5 महीने का बच्चा है और नियर अबाउट 25-28 kg। बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। ये वाइट आइज में देखो नर है माशाल्लाह। हैदराबादी और सोजत, इसकी माँ सोजत थी जी और इसका बाप हैदराबाद। मेरे को लगता है आपके बच्चे हाथों हाथ बिक जाते होंगे ना, यहाँ बचते भी नहीं होंगे। ये क्वालिटी दिखा रही हो, ये भी एक नर है यहाँ पर देखें वाइट आइज का। ये दिखाए वाइट आइस माशाल्लाह। ये फीमेल दिखाओ ना, वो ओ हाँ, ये भी देखो मार्बल में फीमेल है वाइट आइस, बहुत बहुत प्यारी है। आ जाओ ये साइड आ जाओ सर, उसको भी लो ना एक में, जोड़ी दिखाते हैं हम लोग। नया फीमेल है दोनों, पूरा गुलाबी देखें आप लोग, ये भी बहुत अच्छी फीमेल है। सही, सो ये सब बच्चे देने हैं, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, खुद आइए। किसी को लॉट भी चाहिए 10-12 बच्चों का तो मिल जाएगा? लॉट भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, उसमें एक ही कीमत हो जाएगी। हाँ, है ना? मज़ा आ गया। तकलीफें तो हमेशा ही सुनते हैं, पॉजिटिव भी बहुत होता है कभी कभी, वो मतलब शेयर नहीं करता है कोई। अगर आपको सक्सेस होना है जी, तो सक्सेस मतलब सारी इजी चीज़ें नहीं आएंगी जी, आप लोगों को तकलीफें आनी ही है और तकलीफें के बाद जो सक्सेस आएगा उसमें ही मज़ा है। सही है, इजी सक्सेस मिलेगा। ब्रीडिंग सेटअप में भाई सबर करना बहुत जरूरी है ना? अभी मैं 5 साल से सबर कर रहा हूँ जी, अभी भी मैं कभी कभी बहुत खुश रहता हूँ और कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ। जैसे मुझे आज भी 0 नॉलेज है, तो एक वक्त आज भी मैं ऐसा हो जाता हूँ कि आज भी मैं स्टार्टिंग पे ही हूँ
और एक वक्त पे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे 100% आ गया, लेकिन नेक्स्ट डे ही मुझे नेचर बोल देता है कि तुम गलत हो, सीधा पटक देता है, ऊपर वाला मुझे डायरेक्ट जमीन पे ला देता है कि तुम गलत हो। सही है। और ये गोट फार्मिंग में आई थिंक मैं 100 साल भी ये करूंगा, मतलब गोट फार्मिंग करते रहूंगा तो भी आखिरी 100 ईयर्स तक भी मैं सीखते ही रहूंगा। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही बड़ी बात बोले आपने। और ये लाइन में तकब्बुर होना तो ज़रूरी है ही नहीं, बहुत ग्राउंड टू अर्थ रहना हमको। सही है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आपके डिटेल्स क्या हैं सर? मेरा फ़ोन नंबर है 9823994888। ये आपका फ़ोन नंबर है। एड्रेस जो रहेगा? एड्रेस है मेरा नेचर्स गोट फार्म। ये गूगल पे है? ये गूगल पे नहीं है, गूगल पे कोई मांगेगा तो आप लोकेशन भेज दूंगा। और ये एग्जैक्टली विरार और नालासोपारा ईस्ट दोनों के बीच में है। ट्रेन से आ सकते हैं? ट्रेन में से भी 2 किलोमीटर है, नालासोपारा से भी 2 किलोमीटर है, विरार से भी 2 किलोमीटर है। और अगर आप हाईवे में आ रहे हो मुझे फोन करो, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। कार में आराम से आ सकते हैं? हाईवे से कितना होएगा? 5-6 किलोमीटर। हाईवे से 6 किलोमीटर। अगर आप शॉर्टकट से आ रहे हो तो स्टेशन के पास से आ रहे हो तो 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा। सही है। सबको एक साथ लेते हैं अभी और एक बार और इनका वीडियो बनाते हैं हम लोग दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब वाइट वाइट बच्चे हैं माशाल्लाह। आइए जैसा अब्दुल भाई बता रहे कैसा लग रहा, हम सोजत में खड़े बोलते हैं, फील आ रहा है, फील आ रहा है। माँ इधर 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 आओ। वाह, अपन जो जोधपुर गए थे वहाँ भी एक बाड़े में इतने बच्चे नहीं दिखते। चलिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा। इसमें ब्रीडर लाइक बच्चे भी हैं, वो पीछे एक मुंडा है ये, और ये आगे गया उसका भाई। ये भी अगर आपको परचेस करना है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बकरी भी है। नेक्स्ट वीडियो में इनका जो फीमेल मदर क्लच है वो दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, माँ भी अच्छी होंगे, बहुत जल्दी आपको सब दिखाते हैं हम लोग। सो सर, हम लोग सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं फीमेल्स का, इसके बाद में लास्ट वीडियो में ब्रीडर्स दिखाएंगे आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ है जिसपे आप अपना डेली अपडेट करते हैं? नेचर गोट डॉट फार्म्स डॉट फार्म्स नेचर गोट्स डॉट फार्म्स। आप मुझे लिंक भेज देना, पुट इन द डिस्क्रिप्शन, लोग आपको फॉलो करेंगे। और क्या माध्यम से आप अपना पब्लिसिटी करते हो या प्रोफाइल बिल्डिंग करते हो? प्रोफाइल तो इंस्टा पे हूँ जी, और फेसबुक से एक अलग से पेज है, मतलब मेरे फेसबुक पे आईडी पे ही मैंने सेकंड पेज क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डालता हूँ, मतलब इंस्टा पे अभी भी डाल रहा हूँ, लेकिन फेसबुक पे 15 दिन में। आपका सेलिंग प्राइमरी इशू नहीं है? हाँ, है ना, सेलिंग इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे तो हो ही जाएगा, लोग ढूंढ ढूंढ के आते होंगे। और मैंने जहाँ तक देखा है कि खास करके जो ये सब नस्लें गांव में मिलती नहीं है तो लोग काफ़ी हाथों हाथ खरीदते हैं इनको, है ना। सो आइए नेक्स्ट वीडियो में बकरियां देखेंगे और आपसे काफ़ी सवाल पूछेंगे बकरियों के रिलेटेड। अभी थैंक यू सो मच। Got it.